कोरिया जिले के जनकपुर लघु वनोपज समिति भरतपुर में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। गर्मी के महीने में ग्रामीण सुबह से ही तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए आसपास के जंगलों में जाते हैं और ऊंचे पहाड़ों जंगलों में जाकर महिलाएं और पुरुष तेंदुपत्ता तोड़कर लाते हैं और संग्रहण के बाद 52 पत्तों को बांधकर पूड़ा बनाया जाता है। इस पत्ते से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। वहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में एसडीओ से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि सभी वितरण समितियों को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया है, जबकि कोई भी व्यक्ति मास्क लगाए नहीं मिला और न ही शासन के निर्देश के अनुसार काम किया। जंगल में पत्ती दी है, वर्षा के कारण पूरी जितनी पत्ती है सब उलाह नहीं उलावा नहीं किया है और जो नहाई हो तो पूरा लग के कीड़ा सब खा गया है। इसी पत्ती चलते आदमी के पेट मजदूरी चलता रहा है, जो साल भर के खर्चा निकाल लेते रहे, लड़का बच्चा शादी भी आया है तो 2-4 हजार के तोड़ लेते रहे, तो अभी इस साल आए जी। मास्क हम लोगों ने सभी समितियों में, सभी गाँव में जितने भी हमारे फड़ हैं स्थानीय स्तर पे, वहाँ सभी जगह मास्क उपलब्ध करा दिए। हो सकता है किसी कारण वहाँ से ग्रामीण न पहन पाए हों या फिर बाकी सभी को मास्क पहनने के लिए जागरूकता का अभियान विशेष चला करके उनको जागरूक किया गया है। साथ ही साथ फड़ में हम सैनिटाइजर की व्यवस्था किए हैं, पानी हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था, साबुन की व्यवस्था प्रत्येक फड़ में हमारे उपलब्ध है। शासन के निर्देश भी हैं, उसका हम लोग सर्व पालन कर रहे हैं।